हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? भावना किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे प्याज का रायता। हमने यहाँ पे 200 ग्राम हरी प्याज काम में लेंगे, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर इसके जो आगे के हैं डेंटल हैं वो हटा दिए हैं और इसके छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर काम मिलेंगी, स्वाद के अनुसार नमक काम मिलेंगी, आधा चम्मच जीरा काम मिलेंगी, तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच मिर्च काम मिलेंगी और 1 कप दही को काम मिलेंगी, जिसको अच्छे से इसको पसल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, जिसमें किसी प्रकार का बूटना न रहे। ये दोस्तों, हरी प्याज का रायता बहुत ही अच्छा बनता है। इसको आप भी अपने किचन में जरूर बनाएं। अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर इसकी जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, इसमें हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हमें हरे प्याज ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट रायता बनने जा रहा है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ताकि अच्छे से घुल मिल कर तैयार हो जाए। मंथन कर लेते हैं थोड़ा इसको। ये रायता बनाने की बहुत ही सरल और आसान विधि है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप भी अपने किचन में बनाकर अब से अपने फैमिली को खिलाएं। हरे प्याज का रायता बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्थली भी होता है। अब तड़का के लिए 1 चम्मच ऑयल काम मिलेंगे। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जीरा ऐड करेंगे तड़के के लिए। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसको हमने तेल में अच्छी तरह से हल्दी को पका लिया है, इससे किसी प्रकार का कच्चापन नहीं रहे। इस प्रकार से तड़का तैयार किया हुआ बहुत ही अच्छा रायता बनेगा। अब रायते के अंदर तड़का लगाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं, जिससे कि अच्छी खुशबू आएगी। कवर को हटा के देखते हैं। बहुत ही अच्छा तड़का लगा है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं चम्मच से, लगातार चलाते हुए। देखिए दोस्तों, हरे प्याज का रायता बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर इसकी आपको जानकारी मिलती रहे। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले रेसिपी में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।